कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़र शेयर करती हूँ। ये लास्ट वाली ड्रॉ में मैंने आई शेडो पैलेट रखे हुए हैं और ब्रश। सेकंड ड्रॉ में मैंने लिपस्टिक्स रखी हुई हैं और फर्स्ट वाली ड्रॉ में मैंने बेस, फाउंडेशन, फेस पाउडर रखे हुए हैं। तो ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन ऑर्डर किया था, आप लोग ये देखिएगा। इसमें काफ़ी सारी मेरी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिससे मैंने बहुत सारी ब्राइड्स को भी तैयार किया है। कभी मैं आप लोगों के साथ अपना ब्राइड का मेकअप या पार्टी मेकअप ज़रूर शेयर करूँगी। फर्स्ट वाली ड्रॉ में हमारे फाउंडेशन आ जाते हैं। ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, इसको मैं डेली बेसिस पे भी यूज़ करती हूँ, स्कूल जाते हुए लगाती हूँ। इसकी लास्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये स्टे भी बहुत देर तक करता है। मतलब मैं आराम से कोई 8 से 10 घंटे गुजार लेती हूँ। अच्छा, ये थोड़ा ना डार्किश शेड है, ये जो है ना हमारी बेस बिठाने में काम आता है। इसको मैं एज अ कंसीलर भी यूज़ करती हूँ, जैसे कहीं डार्क स्पॉट हो किसी के तो उसके ऊपर भी यूज़ करती हूँ। इसको डेली रूटीन में यूज़ नहीं किया जा सकता। फिटमी का है एक और एक खुदा का है। उसके बाद हम आते हैं अपने एक और, ये डेली बेसिस का ही फाउंडेशन है पर थोड़ा वाइट कास्ट है इसकी, तो इसको मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मतलब ये समझें कि एक ड्रॉप लेके उसको ज़रा ज़रा सा पूरे फेस पे फैलाती हूँ। अच्छा, ये सईद गनी का सनब्लॉक है, इसकी SPF जो है वो 60 है और आपको पता है कि SPF 60 हो तो बहुत अच्छा रहता है वो। इसका तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, कंसीलर का बहुत ज़बरदस्त है, ये भी कंसीलर है। अच्छा, ये ग्लैमर का फेस पाउडर है, इसको मैं रोज़ डेली यूज़ करती हूँ। मैं आपको अपनी ड्रेसिंग पे भी दिखाऊंगी, ये मेरे पास डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए। इसकी भी SPF 35 है, बहुत अच्छा है ये। मैं किसी मतलब पार्टी मेकअप के ऊपर यूज़ करती हूँ, तो ये भी फाउंडेशन है, डिफरेंट फाउंडेशन है। अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को इसके नंबर वगैरह बता दूँगी, क्योंकि मैं 3 से 4 बेस मिला कर फिर एक बेस बनाती हूँ जो पार्टी मेकअप के लिए भी होती है और जो ब्राइडल मेकअप के लिए भी होती है, बेस अच्छी बनती है। अच्छा, ये जो मैंने लास्ट में स्टिक दिखाई है, ये स्टिक जो है मैंने इसका क्वार्टर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिक रख रख के जो है ना यूज़ में नहीं आती, पर ये कि मेरे यूज़ में आ जाती है। ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट लिप ग्लोज है, वसीम बादामी का, इसका 122 नंबर है और इतना कोई आउट क्लास है ना, और है भी बहुत अच्छा। इसको मैं जब लेने के लिए जाती हूँ ख़त्म होता है तो ये मुझे 10% डिस्काउंट पे ही मिलता है, क्योंकि मैं इनकी परमानेंट कस्टमर हूँ। लिपस्टिक है, लिपस्टिक तो मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं वसीम बादामी का लिप ग्लोज बहुत यूज़ करती हूँ। ये टिंट है, टिंट में तो बहुत सारे शेड आते हैं, तो टिंट तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लश का ब्रश है ये, कंटूर पैलेट, इसमें से जो ना मैं आई शेडो ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और इसमें जो ब्राउन कलर का शेड है ना वो मैं आईब्रोज़ के ऊपर यूज़ करती हूँ, और ये पिंक वाला जो मैंने लगाया ये बिल्कुल ऐसा होता है कि मैं अगर स्कूल भी लगा के जाऊँ ना अपनी आई के ऊपर, तो इतना प्यारा पिगमेंट देता है ये। ये थोड़ा सा शिमरी शेड है, थोड़े से शाइन वाले। फिर आते हैं हम नेक्स्ट वाले पैलेट के ऊपर, ये एक कॉमन सा है, इसमें थोड़ी थोड़ी शाइन भी है और थोड़े मैट से शेड है। ये ब्लश हो जाते हैं, इसको मिक्स करके हाइलाइटर, एज अ हाइलाइटर भी यूज़ करती हूँ मैं, एज अ ब्लश भी यूज़ करती हूँ। ये हाइलाइटर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, थोड़ा ग्लिटर शेड आ जाता है। ये सारे जो ना शिमरी शेड हैं, आपको पता है आजकल थोड़ा सा आई बॉल के ऊपर शिमर शेड लगा दिया जाता है, थोड़ा सा शाइन शाइन के लिए।
तो ये सारे वो है, तो ये बहुत कम ही यूज़ होता है। अच्छा, ये आई शेडो पैलेट जो है ना, इनमें से हमें लेनी ज़रूर पड़ती है, क्योंकि इसमें से मुश्किल से मैं ये दो या तीन शेड यूज़ करती हूँ। ये कंप्लीट मेरा मेकअप है। एक बात मैं आपको बताऊँ, ये सारा मेरा मेकअप नहीं है। अगर आपने और मज़ीद मेरा मेकअप देखना है, जिसमें मेरे जो है सीरम्स होते हैं और जिसमें और मज़ीद हाइलाइटर्स हैं, लिप ग्लोज हैं, ये वो सारी बहुत सारी चीज़ें, तो आप कहेंगे तो मैं वो भी शेयर करूँगी। ये तो मेरा कॉमन है कि जो जिनको मैं आम तौर पे भी यूज़ करती हूँ, और साथ में ये कि कोई जैसे पार्टी मेकअप वगैरह आ जाता है तो उसमें भी यूज़ कर दिया जाता है। किसी दिन मैं आपके साथ अपना पार्टी मेकअप शेयर करूँगी या ब्राइडल मेकअप शूट करूँगी, तो आपको दिखाऊँगी।